क्या आप यूजीसी नेट इंग्लिश की हाई लेवल क्लासेस घर पे लेके पढ़ना चाहते हैं? जी हाँ, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पांडे। आज हम बात करने वाले हैं ऑफलाइन बैच के बारे में। बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, बहुत सारी क्वेरीज के साथ साथ ये क्वेरी भी आ रही है कि सर सिलेबस चेंज हो गया क्या? हमारे जितने पुराने स्टूडेंट्स हैं या जो पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको दोनों के बारे में बताऊंगा। पहले बात करते हैं ऑफलाइन बैच के बारे में, फिर हम बात करते हैं सिलेबस चेंज के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले दिल्ली में आकर के जो बच्चे ऑफलाइन बैच में पढ़ना चाहते हैं, देखिए कोविड के आसपास चीज़ें ऑनलाइन हो गई, मोबाइल से पढ़ना शुरू किया, लैपटॉप से पढ़ना शुरू किया। हर बच्चे के पास लैपटॉप नहीं होता और मोबाइल में वीडियो देख के पढ़ना काफ़ी हद तक परेशानी क्रिएट करता है, नज़रें खराब होती हैं और उतना फोकस नहीं होता। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो करियर कॉन्शियस हैं, जो जानते हैं कि कॉम्पिटिशन है और कॉम्पिटिशन में अगर उतरना है तो सबसे बेहतरीन तरीके से उतरना चाहिए। जब अर्जुन महाभारत युद्ध के लिए तैयार हुआ तो सबसे पहले कृष्ण ने कहा कि जाओ शिव के पास, जाओ इंद्र के पास, सारे दिव्यास्त्र लो, क्योंकि एक ऐसा युद्ध होगा जिसमें तुम्हें इन सभी दिव्यास्त्रों की जरूरत पड़ेगी। सेम चीज है आपका कॉम्पिटिशन। जब आप कॉम्पिटिशन में उतरते हैं तो कॉम्पिटिशन में कभी ऐसे नहीं उतरना है कि मुझे सिलेबस नहीं पता अच्छे से क्या है, मेरे पास तो बुक ही नहीं है, मुझे तो यही नहीं पता कि कॉम्प्लिकेशंस क्या है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, टॉपिक्स क्या है। इन सारी चीजों को अगर आप एक साथ एक प्रॉपर स्टेप वाइज तैयार करना चाहते हैं तो दिल्ली ऑफलाइन बैच इसका बेस्ट सॉल्यूशन है। जी हाँ, दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, कोचिंग हब है, बिजनेस हब है, मीडिया हब है। जी हाँ, दिल्ली में बेस्ट टीचर्स, बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज अवेलेबल। आपका दिल्ली में स्वागत है। अगर आप भी आना चाहते हैं यहाँ पढ़ने के लिए ऑफलाइन बैच में, आप दिल्ली में आइए। आपको मिलेगा यहाँ पे क्लासरूम एनवायरनमेंट, सारे हॉस्टल्स क्लासेस के पास में हैं। हमारे क्लासेस से जो हॉस्टल्स हैं, चाहे वो बॉयज के हों चाहे गर्ल्स के हों, मैक्सिमम 100 मीटर के अंदर मिल जाएंगे। क्लास में आने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा, क्लास में 1-to-1 इंटरेक्शन मिलता है, फेस टू फेस पढ़ने का टाइम मिलेगा, आपको चांस मिलेगा, मुझसे सवाल कर सकते हैं, मेरी लाइव परफॉर्मेंस होती है क्लास के अंदर 3-3 घंटे 4-4 घंटे। मैं अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड जो मैंने जामिया से सीखा है, जेएनयू से सीखा है, वो सब मैं आपके सामने लेके आता हूं। दूसरी सबसे खूबसूरत बात जो ऑफलाइन बैच की है वो ये है कि आपको जिंदगी में पहली बार अपना इंग्लिश का नेट का कंपटीशन फेस टू फेस देखने को मिलेगा। आप घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, आप दूर हैं, आपके अपने गांव में इंग्लिश का दूसरा बच्चा नहीं है, आप घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास इंग्लिश लिटरेचर का कोई दूसरा दोस्त नहीं है जिससे आप डिस्कस कर सके। यहां पर ऐसा नहीं होगा, आप ही के बैच में केरला के स्टूडेंट्स होंगे, कश्मीर के स्टूडेंट्स होंगे, पूरा नॉर्थ ईस्ट का क्राउड आपके पास होगा, हरियाणा से बच्चे होंगे, यूपी से होंगे, अगर मैं कहूं कौन से स्टेट से नहीं होंगे तो शायद गोवा से नहीं होंगे, क्योंकि गोवा से अभी तक हमारे पास कोई ऑफलाइन बैच स्टूडेंट आज तक नहीं आया। हिंदुस्तान के हर स्टेट से मिलेंगे। 90% जो क्राउड है वो लड़कियों का होता है, गर्ल्स ऑफलाइन बैच को ज्यादा प्रेफर करती हैं, इसलिए आसपास गर्ल्स के हॉस्टल्स भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे खाने पीने के ऑप्शंस, जो आप टिफिन लगवाना चाहते हैं वो सब आसपास अवेलेबल है। ऑफलाइन बैच में 1-to-1 इंटरेक्शन, सेम डे टॉपिक कवर करना, 5-7 घंटे की क्लास होती है। जी हाँ, 5-7 घंटे, यानी कि 9 बजे की क्लास 3 बजे तक भी जाती है और जरूरत पड़ने पे 4:30 और 5 बजे तक जाती है। क्लास के अंदर ही टॉपिक कवर होगा, क्लास में ही नोट्स मिलेंगे, क्लास में ही रिवीजन मेथड होता है, क्लास में ही रैपिड फायर होता है और मेरे साथ 1-to-1 काउंसलिंग होती है। क्या आप जानते हैं ऑफलाइन जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे साथ हंसी मजाक भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, पीएचडी टॉपिक भी डिस्कस करते हैं, प्रपोजल्स भी डिस्कस करते हैं, पेपर पब्लिकेशंस और जॉब्स भी डिस्कस करते हैं। ऑफलाइन के बहुत सारे ग्रुप में ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो अगर कोई डिप्रेशन है, प्रॉब्लम है, फैमिली इश्यूज है, वो भी मेरे पास एक बड़े भाई की तरह, एक टीचर की तरह के बैठ के मुझसे बात करते हैं। ऑफलाइन बैच सिर्फ उनके लिए है जिनमें जज्बा है कुछ करने का, जिनमें जिद है कुछ करने की और दिल्ली आ सकते हैं। मैं आपसे यहां पे दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, पढ़ने के लिए आप घर बैठ के भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है कि जब आप समुद्र में उतर ही गए, जब समुद्र में उतर ही गए तो किनारे पे रहना है या समुद्र के बीचों बीच जाना है, क्योंकि दोस्तों समुद्र के बीचों बीच जो जाएगा वो न जाने क्या लेके निकलेगा। जब सागर मंथन हुआ था तो समुद्र के बीचों बीच हुआ था, किनारे पर नहीं हुआ था। तो जिसको पढ़ना है
और सिर्फ नेट या JRF क्वालिफाई नहीं करना, नॉलेज करना है। चाहना है कि जिंदगी भर मेरे अंदर इंग्लिश लिटरेचर का इतना नॉलेज हो। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि काश मुझे किसी ने थोड़ा सा ठीक से पढ़ाया होता? 10 साल का गैप है, 5 साल का गैप है, गांव से MA की है, पढ़ाई की है, लेकिन कुछ नॉलेज नहीं है। आप सबके लिए ऑफलाइन बैच, साइंस बैकग्राउंड है, कॉमर्स बैकग्राउंड है, काश कोई दोस्त की तरह, बड़े भाई की तरह, गाइड की तरह सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा सके। आपको ऑफलाइन बैच की जरूरत है। ऑफलाइन बैच हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा क्राउड आएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, JNU का, जामिया का, क्योंकि हम हमारे बगल में है, यही बच्चे आगे आते हैं और यही बच्चे आगे आपसे कॉम्पिटिशन में बाजी मार जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद कश्मीर, कन्याकुमारी, केरला, हर जगह से बच्चे हैं। आप हमारी वीडियोज में देख सकते हैं, आप वीडियोज में देखिए क्राउड कहाँ कहाँ से है, सक्सेस इंटरव्यूज में देखिए क्राउड कहाँ कहाँ से। हर जगह, हर एक शहर में एक ऐसा बच्चा होता है जो सोचता है कि मैं दिल्ली जाऊंगा, ना केवल क्वालिफाई करके वापस आऊंगा बल्कि बहुत सारा नॉलेज लेके आऊंगा। मेरे पास पढ़ने आओ, ऑफलाइन बैच, लेकिन यह मत सोच के आना कि नेट और JRF करना है, यह मैं ऑनलाइन से भी करवा दूंगा। मेरे पास पढ़ने आना कि मैं उस टीचर से पढ़ूं जिसने गांव से शुरुआत की और इंग्लिश में 10 बार नेट करके ऑल इंडिया रिकॉर्ड बनाया, 2 बार JRF करके ऑल इंडिया रिकॉर्ड बनाया, 17 स्टेट्स के सेट एग्जाम, 2 गेट एग्जाम, 3 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुका है, 4 किताबों का राइटर है। मैं नॉलेज का भूखा हूं, मुझे नॉलेज चाहिए और नॉलेज के लिए आना तभी ऑफलाइन बैच में आना। नेट JRF में ऑनलाइन बैच से भी करवा दूंगा, पेन ड्राइव बैच से भी करवा दूंगा। साथ में पेन ड्राइव बैच की भी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, आप में से बहुत बच्चे ऐसे जिनमें आग है दिल्ली आने की, यू वांट टू कम टू दिल्ली, आई नो, लेकिन कई बार क्लास फीस तो आप अफोर्ड कर लेंगे लेकिन दिल्ली में रहना, खास करके लड़कियां, पेरेंट्स जिनको नहीं बाहर भेजना चाहते, आपको ऑफलाइन बैच के लेक्चर्स घर बैठे अवेलेबल हो जाएंगे। ये नॉर्मल ऑनलाइन क्लास नहीं है। जो मैं दिल्ली में पढ़ाऊंगा, जिस कपड़े में पढ़ा रहा हूं, वही क्लास एज इट इज रिकॉर्ड होकर आपके पास पहुंच जाएगी। अगर आप दूर से हैं, घर के बड़े फैमिली मेंबर हैं, अर्निंग कर रहे हैं, किसी भी तरीके से कोई ना कोई बाधा है, दिल्ली नहीं आ सकते लेकिन आग है, तो अगर पढ़ने की आग है, जिद है, तो इस बार हमने पहली बार मेरे करियर में हमने गूगल ड्राइव पेन ड्राइव कोर्स लॉन्च किया है। गूगल ड्राइव पेन ड्राइव का मतलब यह है, यही हाई क्वालिटी लेक्चर्स आपको आपके सीक्रेट अकाउंट में फॉरवर्ड होंगे, तो आपका अकाउंट आपको देंगे, आप एज इट इज वही लेक्चर जो बच्चा यहां पढ़ रहा है वो आप अपने घर पे पढ़ेंगे। आपका दिल्ली आने का खर्चा बहुत हद तक बच जाएगा। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं कहूंगा, अगर दिल्ली आ सकते हो तो आ जाना, क्योंकि चाहे इश्क हो चाहे पढ़ाई हो, मजा ऑफलाइन का ही है। और पेन ड्राइव कोर्स के लिए इतना कहना चाहूंगा, चूंकि पहली बार शुरुआत हुई है, हमने फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स को एक ऑफर दिया था कि अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 1 साल की मेंबरशिप मिलेगी। अगर आप अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको ऑफलाइन बैच के सारे लेक्चर्स मिलेंगे, ऑनलाइन का बैकअप मिलेगा और मेरे साथ जूम सेशंस होंगे, हफ्ते में 4 घंटे का जूम सेशन, ताकि आपको यह ना फील हो कि आप दिल्ली में है ही नहीं, सर से बात नहीं हो पा रही। ये सब आपको मिलेगा। अभी भी आपके पास समय है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा समय तो नहीं है, 470 के आसपास एडमिशन हो चुके हैं, सिर्फ 25-30 सीट बाकी है। मेरा सजेशन है इस वीडियो के अपलोड होने के 1-2 घंटे में अपना करवा लीजिएगा, क्योंकि अगर सीट मिस हुई तो पेंडर बैच तो मिलेगा, उसके बाद भी मिल जाएगा, लेकिन वो 1 साल का जो वैलिडिटी है, एक साल वो नहीं मिल पाएगा। किसी भी जानकारी, किसी भी चीज के लिए संपर्क कीजिए दिए हुए नंबरों पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इससे पहले कि हम वीडियो को कट करें, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, गांव से सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज से शुरुआत की है, तो मैं जानता हूं कि इंग्लिश में बच्चा जब नेट सोचता है तो सबसे पहले क्या क्या प्रॉब्लम आती है। जाके पांव न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। मैंने मेरे पांव छिलवाए हैं, आज 10 बार नेट हो, आज भी एग्जाम दूंगा, अगला भी क्वालिफाई करूंगा, जानता हूं पेपर कहां से आता है, जानता हूं वो क्या पूछेंगे, और उससे 5 गुना ज्यादा क्लास में पढ़ाता हूं ताकि मेरा स्टूडेंट फेल ना हो। जो इतनी दूर से आया है वो सिर्फ पैसा लेके नहीं आया है, वो उम्मीद लेके आया है। वो जिंदगी में मुझसे शायद कभी दोबारा ना मिले, पर उसका मेरा जो एक रिलेशन है 5-5.5 महीने का, उसमें मैं अगर उसको सक्सेस नहीं दे सका तो शीशे में मुझे अपना मुंह देखने का अधिकार नहीं है। तुम में अगर मेहनत करने का जज्बा है, पागलपन है, जिद है,
आठ आठ घंटे दिन में पढ़ सकते हो, मैं तुम्हें JRF दूंगा, JRF। चार घंटे पढ़ सकते हो ऑफलाइन में आ जाओ, नेट कन्फर्म है, लेकिन आठ घंटे पढ़ोगे ना, मैं तुम्हें JRF दूंगा। अगर तुम में दम है तो आ जाओ ऑफलाइन बैच में, डेट्स आपको यहां पे मिल जाएंगी, ज्वाइन कीजिए। पेन ड्राइव के लिए कॉल करना है, कॉल कीजिए। और सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मैंने मेरे हालात बदले हैं मेहनत करके, क्या तुम में जज्बा है? अगर है तो मुझे कमेंट से बताओ। धन्यवाद।